वो सब गेमर तो कैसे आप सभी लोग तो फाइनली यार दोबारा से प्ले करने वाले माइनक्राफ्ट के लिए। तो मैं अपने माइनक्राफ्ट विलेज में ऐसे घूम रहा था तो मैंने एक हनी बी को देखा था घूमते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना हनी बी हाउस बिल्ड कराया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो भी गाइस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना। इधर का मैंने इधर बेस खड़ा कर दिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक मोटर को 6, सॉरी। तो ये हो गया एंड इसके ऊपर की डिजाइनिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 को बिल्ड करने वाले हैं हम हनी बी के लिए। ऐसे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ऊपर तक। तो ये हो गई बिल्ड, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, तो ये प्रॉपर बिल्ड हो गई। एंड तो चलो चलते हैं अभी एंड इसके पीछे की वर्किंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे इधर करना होगा हमें, 1 4 5 एंड 6। तो इसको ऐसे ही नीचे से कंटिन्यू करते हुए लाना है। तो चलो चलते हैं एंड 1 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया एंड इसको ज्वाइन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 को ज्वाइन करते हैं इधर से, 2 3 एंड ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया एंड इसको कर देंगे पूरा फिल। इसको पूरा फिल कर देंगे अभी हम एंड ये हो गई इधर की साइड। तो अभी देखते हैं कैसे दिख रही है। तो इधर की साइड हो गई, तो कुछ ऐसे दिख रही है एंड ये हो गया हनी वी का फ्रंट। एंड अभी इधर से करते हैं, इधर से करेंगे, रुको एक मिनट। 1 2 3 5, सॉरी इधर लग गया। ऐसे इधर वाली साइड करेंगे, तो इसको ऐसे पूरा फिल कर देंगे। एंड तो इधर वाली साइड भी हो गई, अभी इधर की बची है बैक। तो इधर से हमें नहीं करना है एंड हमें करना है अभी ऊपर की साइड। चलते हैं एंड अभी हमें ऊपर से करना होगा इसको बंद। तो चलो इसको करते हैं जल्दी से बंद। अभी इधर से करते हैं एंड ये पूरा फिल हो गया। तो अभी करते हैं, अभी ये पूरा हो गया, देखो फ्रंट से कैसा दिख रहा है। तो ऐसे दिख रही है हमारी हनी बी का फ्रंट। एंड इसका करते हैं बैक साइड का वर्क। मुझे लग रहा है इधर साइड से कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करनी होगी क्योंकि इधर हो नहीं पाएगा पूरा। तभी हमें वो एक डार्क प्लैंक की ज़रूरत है, अभी इधर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे इधर नीचे 1 2 3, अभी इधर भी लगाने होंगे, 1 2 3, सॉरी 3 4, ये हो गया। एंड अभी इसको पूरा कवर करना होगा हमें एंड इसको भी करते हैं कवर। तो ये वाली साइड भी हो गई, तो ये हो गया। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हो गया एंड ये हनी बी का भी रेडी होने वाली है। तो ये हो गया एंड हमें अभी लगाना होगा इधर दोबारा से ग्रीन कंक्रीट, वो सॉरी येलो कंक्रीट दोबारा से लगाना होगा हमें इधर। इसको पूरे में हमें ऐसे ही फिल करना होगा दोबारा से येलो कंक्रीट के लिए। तो इसकी एक ही लेयर लगेगी एंड ये हो गया। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हो गया फाइनल, ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको लगाते हैं, एक लेयर और लगेगी इसकी एंड ये फिर से हो गया गड़बड़। तो इसकी एक और लेयर लगेगी येलो डार्क प्लैंक की एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। 4, सॉरी एंड इसको ऊपर से करते हैं। तो ये लग गया ऊपर एंड नीचे और रह गया, इसको लगाते हैं। तो ये हो गया एंड इधर बचा है थोड़ा साइड में, कोई मत।
एंड ये भी हो गया। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हनी बी का स्ट्रक्चर पूरा तैयार नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत हनी बी तैयार हो गई। एंड अभी दोबारा से पीछे लगानी होगी हमें येल्लो लेयर, येल्लो कंक्रीट की लेयर दोबारा लगानी होगी। 3 4 5 एंड इधर से लगाते हैं अभी। यहाँ एक मिसिंग हो गया, अभी सही है। एंड अभी इधर से लगाते हैं, तो ये हो गया अभी। एंड ये देख सकते हो पूरा हो गया रेडी। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारी हनी भी बनके तैयार हो गई। एंड इसका मेन काम रह गया है तो अभी पूरा करेंगे। एंड पीछे का वर्क अभी रह गया है, इसलिए बेकार दिख रही है थोड़ी, इधर से थोड़ी चौड़ी दिख रही है। एंड अभी पीछे का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो हमें इस पेड़ को हटाना होगा, पहले इस पेड़ को हटाते हैं, तो इसको इतना ही रखते हैं। अभी अपना इधर का वर्क करते हैं। तो अभी हमें दोबारा से लगाना होगा, हमें प्लांक्स दोबारा से लगाना होगा इधर। 4 5 6 एंड इसको पीछे कंटिन्यू करते हैं। अभी नीचे से लगाते हैं, ये हो गई। एंड अभी इधर की फिलिंग करते हैं, सॉरी, इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये हो गया, इसकी एक और लेयर लगेगी, तो इसको लगाते हैं फिर दोबारा से। एंड अभी इधर से लगाते हैं। अभी ऊपर का और रह गया थोड़ा, फिर मिस्टेक हो गई। तो अब ये रेडी हो गया पूरा स्ट्रक्चर हनी बी का। एंड फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड देख सकते हो गाइस फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड बैक का पूरा वर्क हो गया है। एंड तो चलो चलते हैं अभी अंदर। एंड तो इधर की वर्किंग रह गई है, अंदर की ये फिलिंग के लिए रह गई है। तो इधर अंदर फिलिंग कर देते हैं, तो येल्लो कंक्रीट इधर लगा देते हैं, फिल कर देते हैं पूरे में। एंड ये हो गया, तो ये पूरा हो गया अंदर रेडी। एंड तो चलते हैं अभी फ्रंट में, एंड उसकी आइस वगैरह बनाते हैं हनी बी की। अभी हमें ब्लैक कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी इधर आइस बनाने के लिए, 1 2 एंड ऐसे इधर दोनों तरफ लगेगी। अभी इधर रह गया 1 2, तो देखते एक मिनट कैसा दिख रहा है। तो एक साइड तो इधर की रेडी हो गई। अभी ये ठीक है। एंड तो ये ठीक है अभी। एंड इसको हटाते हैं पहले। तो ये अभी रेडी हो गया, एंड ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड इधर हनी बी की आइस बन गई। एंड इसको हटाते हैं एक मिनट, यहाँ पर लगेगा ग्लास लगेगा, सॉरी, एंड इधर लग गया। एंड ऐसे इधर लगेगा एक ग्लास, तो ये हो गया। एंड इधर लगेगा नीचे, यहाँ पर लगेगा ब्लू कलर का, ब्राउन, सॉरी, ब्राउन कलर का लगेगा स्टेन ग्लास, ब्राउन स्टेन ग्लास लगेगा इधर भी। एंड ये देख सकते हो आइस रेडी हो गई। एंड इधर का काम रह गया, तो अभी इसमें रह गया है। एंड इधर ऊपर का थोड़ा और रह गया है, एक मटर को यहाँ पे, एंड एक इधर। एंड दोबारा से इधर ब्लैक कंक्रीट लगेगा इधर। आइस और माउथ बन के ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये हाउस, इसका हनी बी का माउथ बन गया, तो ये पूरा रेडी हो गया है बन के माउथ। एंड आइस वगैरह सब कुछ बन गए। तो ये देख सकते हो फ्रंट ऐसा दिख रहा है हनी बी का। एंड ये बन के पूरा रेडी हो गया आइस वगैरह। तो अभी चलते हैं बैक में। तो अभी हमें बैक का वर्क और करना है, तो इधर इसके गेट वगैरह लगा देते हैं, इसमें विंडो वगैरह ऐसे इधर से, सॉरी इधर से नहीं, थोड़ा आगे से लेना है इसको, ऐसे फिल करना होगा हमें ऊपर तक। तो इसको कर देते हैं पूरा। एंड इधर हम इतने में हमारा गेट लग जाएगा। एंड तो ये हो गया पूरा। एंड अभी हमें इधर एक डार्क डोर लगानी होगी, तो चलो लगा देते हैं।
तो ये लग गए। एंड इसको पूरा फिल कर देते हैं अभी, जितना भी एरिया बच गया है। तो ये हो गया बन के रेडी। एंड चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं इसमें जाके। तो ये हो गया। एंड इधर हमें सीढ़ियाँ वगैरह भी लगानी होगी, इसके लिए हमें इस इधर का एरिया पूरा क्लीन करना होगा। तो अभी इसका काम बाद में करेंगे। एंड अभी हम ऊपर का वर्क करने वाले हैं, उसके लिए हमें इसके विंग्स वगैरह लगाने होंगे हनी बी के। तो उसका वर्क करते हैं हनी बी का, तो अभी विंग्स का वर्क करते हैं। तो ये तो पूरा बन के रेडी हो गया स्ट्रक्चर, एंड इसके विंग्स का वर्क रह गया है। तो चलो अभी बनाते हैं इसके विंग्स। तो पहले तो कारपेट लगा देते हैं इधर, एक 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 यहाँ लगेगी। सॉरी इसको हटाते हैं। ठीक है, नहीं अभी ठीक है। ऐसे एक इधर लगेगी, एक दो तीन, एक इधर लगेगी। तो ये तैयार हो गया। एंड चलो इसके विंग्स बनाते हैं। तो मेरे को इतना तो ये हो गया। एंड अभी इसको इधर कंटिन्यू करना होगा आगे, इधर ये हो गया। एंड इसको इधर कंटिन्यू करना होगा आगे के लिए। हनी बी के विंग्स वगैरह तो रेडी हो गए, एंड तो मैंने हनी बी के विंग्स वगैरह बना दिए अभी। तो उसमें बनाने में टाइम लगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वगैरह लगाई, रोप वगैरह लगाई, एंड इसको पूरा हैंग कराया। तो देख सकते हो ये प्रॉपर विंग्स बन गए हैं हनी बी के। तो ये फ्रंट से ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी ये पूरा बन गए, तो पूरी हनी बी बन गई है। एंड इधर नीचे का वर्क रह गया, तो अभी पूरा करेंगे। तो मैंने इसको पूरा रोप पे हैंग किया हुआ है, तो हनी बी के लेग रह गए अभी। तो उसका पीछे बैक का वर्क करते हैं पहले। तो इसमें बैक में हमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह लगानी होगी। तो ये बन के रेडी हो गई, तो देख सकते हो गाइस। तो हमने इधर सीढ़ियाँ वगैरह बना दी, तो ये बन के रेडी हो गई। तो इधर बैक का भी वर्क हो गया, तो इधर मैंने सीढ़ियाँ वगैरह भी बना दी। एंड तो चलते हैं अभी हाउस के अंदर। तो अभी अंदर का वर्क रह गया है लाइटिंग वगैरह का, तो अभी ये बाद में करेंगे। अभी नीचे का थोड़ा वर्क रह गया है, तो मोस्टली काम हो चुका है सारा। एंड तो अभी नीचे इसके हनी बी के पैर वगैरह रह गए हैं, तो हनी बी के पैर बनाने होंगे। उसके लिए हमें बैनर वगैरह लेना होगा, तो बैनर वगैरह ले लिए। तो चलो अभी हनी बी के पैर बनाते हैं। तो यहाँ से बनाना होगा एक एंड दो, ऐसे ही पीछे बैक में लगाना होगा, एक एंड दो। एंड इसके ऊपर लगाने होंगे हमें बैनर, फिर हनी बी के पैर बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसके ऊपर लगा देते हैं अभी बैनर, एंड हनी बी के लेग बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी दूर से कैसे दिख रहे हैं इसके लेग। तो अभी हनी बी के लेग भी बन गए प्रॉपर। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो अभी अंदर की वर्किंग रह गई है हाउस की, तो चलो चलते हैं वो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। तो इधर लाइटिंग वगैरह करनी होगी, तो इधर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो हमें लाइटिंग वगैरह करनी होगी इधर। तो लेदर से लाइटिंग वगैरह करते हैं, चलो स्टार्ट ऊपर से। तो हमें इधर लगानी होगी एंड्रॉयड। तो देख सकते हो गाइस इधर लाइटिंग वगैरह भी हो गई, लिवर वगैरह भी ढक गया दोनों तरफ। एंड इधर की वर्किंग करते हैं, पहले इसको कर देते हैं गेट को बंद। तो सारे सब तरफ लाइटिंग वगैरह भी हो गई। एंड हमें इधर लगाना होगा ब्लॉक, तो सॉरी ब्लॉक कह रहा हूँ, इधर हमें कांच वगैरह लगाना होगा। तो इधर इसको हटा देते हैं, तो हमें कांच के ब्लॉक लगाने होंगे तो सब में। एंड इधर भी इसको सेम। तो ये हो गया रेडी। एंड हमें इधर ब्लॉक कांच के ब्लॉक लगाने होंगे येलो कलर के, ये हो गया। एंड इधर भी ऐसे ही लगाना होगा हमें। तो ये अभी बन के हो गया रेडी। तो अभी करते हैं बैक की वर्किंग। तो इधर हमें लाइटिंग वगैरह ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा है। बाद में हटा देंगे जब हमारा हाउस प्रॉपर बिल्ड हो जाएगा। एंड तो इधर लगाते हैं बीहाइव, ऐसे ही इधर लगाना होगा। एंड ये हो गया। एंड इधर लेते हैं फ्लावर पॉट, तो इधर अभी फ्लावर पॉट लगा देते हैं। बीहाइव लग गया, एंड फ्लावर पॉट भी लगा देते हैं। देख सकते हो हमने बीहाइव लगा दिया, एंड फ्लावर पॉट भी लगा देते हैं दोनों तीनों तरफ। एंड इन्वेंट्री में से लेते हैं फ्लावर, तो इसमें फ्लावर वगैरह भी लगा देते हैं। तो देख सकते हो फ्लावर वगैरह भी लग गए इसमें। एंड तो
इधर बेड वगैरह डालते हैं अभी, इधर फ्रंट की वर्किंग करते हैं एंड बैक में तो हो गई डिज़ाइनिंग वगैरह। एंड फ्रंट में एक फ्लावर पॉट ही लगाते हैं एंड इसमें और भी चीज़ें लगानी होगी हमें। एंड इसमें बैम्बू खड़ा करते हैं दोनों तरफ एंड इसके ऊपर लगाएंगे हम वो एक लीव्स, बैम्बू के ऊपर वो एक लीव्स लगाने वाले हैं। तो ये हो गई, इसको हटाते हैं तो देख सकते हो ये डिज़ाइनिंग वगैरह बढ़िया लग रही है। तो हमने बैम्बू के पेड़ के बीच में ये क्लिप लगा दी एंड ये हो गया इधर का वर्क। तो अभी करते हैं इधर की फ्रंट की वर्किंग। उसके लिए पहले हम इधर लगाते हैं बिहाइव दोनों तरफ एंड इसके ऊपर लगाएंगे हम फ्लावर पॉट एंड फ्लावर एंड इधर साइड भी लगा देते हैं। तो ये हो गया रेडी। अभी हमें चाहिए बेड येलो कलर का एंड इधर भी डालना होगा ऐसे ही। एंड ये बेड वगैरह पड़ गया दोनों साइड, अभी इधर हमें लगाना होगा एंड हमें इधर क्वार्ट स्लैब लगानी होगी दोनों तरफ। तो ये लग गई क्वार्ट स्लैब, अभी ये प्रॉपर बन के रेडी हो गया बेड वगैरह लग के। एंड बीच में हम अपना इन्वेंट्री बॉक्स रखेंगे तो इन्वेंट्री ले लेते हैं इधर से। तो अभी साइड की वर्किंग करते हैं, पहले इधर डिज़ाइनिंग वगैरह कर देते हैं। तो पहले इधर लगाते हैं हम ब्राउन बैनर सब तरफ, इधर भी लगाते हैं ऐसे ही ब्राउन बैनर। एंड इधर भी ऐसे ही लगाते हैं, ये हो गया इधर भी लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ब्राउन बैनर लगने के बाद। एंड अभी हमें चाहिए, अभी हमें आयरन ट्रैप डोर चाहिए एंड इसके बाद हमें येलो कारपेट चाहिए। तो येलो कारपेट ले लेते हैं। तो ये हमारा हाउस बन के रेडी हो गया एंड इधर हम, तो हमारा पूरी तरीके से अभी हाउस बन के रेडी हो चुका है एंड थोड़ा बहुत उसमें रह गया है वर्क। एंड इसके ऊपर लगाते हैं हम कारपेट एंड ऐसे ही इधर लगा देते हैं और। तो ये बन के हो गया रेडी। तो देख सकते हो गाइस हमारा पूरा हाउस बन के रेडी हो गया है। तो इधर मैंने इन्वेंट्री बॉक्स रख दिया है एंड इधर मैंने फ्लावर पॉट, तो इधर मैंने इन्वेंट्री बॉक्स रखे एंड फ्लावर पॉट वगैरह लगा दिए हैं। तो ये दो बेड हो गए एंड इधर मैंने इससे डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी है। तो ये हमारा पूरा हनी बी हाउस रेडी हो गया बन के। तो देख सकते हो ये रहा हमारा जो हनी बी हाउस हमने बनाया है एंड ये प्रॉपर पूरा बिल्ड हो गया। तो चलते हैं अभी बाहर, अभी बाहर से दिखाता हूँ। तो कर देते हैं गेट को लॉक एंड चलो चलते हैं। तो देख सकते हो ये बैक से कुछ है। तो ये बैक से ऐसा दिख रहा है हमारा हनी बी हाउस एंड तो चलो फ्रंट से दिखाता हूँ। तो ये रहा फ्रंट से, तो ये रहा फ्रंट से ऐसा दिख रहा है हमारा हनी बी हाउस। तो ये पूरा बन के रेडी हो गया, ये इसके विंग्स रहे एंड देख सकते हो ये पूरा बन के रेडी हो गया हमारा हनी बी हाउस। एंड तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस।